बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने पेपर लीक के मामले की जांच कराने के लिए एक आंतरिक कमेटी का गठन कर दिया है और अब यही कमेटी इस बात का पता लगाएगी कि 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में हमारे दर्शकों ने, खासतौर पर युवाओं ने और छात्रों ने हमें यह लिखा कि वो चाहते हैं कि हम कांस्टेबल की भर्ती के लिए इस परीक्षा में जो धांधलियां हुई हैं या नहीं हुई हैं उसके बारे में एक स्पष्ट विश्लेषण करें। और आज हम अपने दर्शकों की मांग पर सबसे पहले यही विश्लेषण और यही खबर आपको दिखाना चाहते हैं और खास तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए, युवाओं के लिए और छात्रों के लिए जो उत्तर प्रदेश की पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत सारे छात्रों ने यह शिकायत की है कि 18 फरवरी को दूसरी सिटिंग की परीक्षा से पहले ही उनके मोबाइल फोन पर एक प्रश्न पत्र आ गया था जो इसी भर्ती की परीक्षा से जुड़ा हुआ था और इसीलिए अब बहुत सारे छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस से पेपर लीक की शिकायत कर रहे हैं और दोबारा से इस परीक्षा को कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस भर्ती बोर्ड ने इन आरोपों को अपनी शुरुआती जांच में गलत बताया है और यह कहा जा रहा है कि एक ऐप होता है आपके फोन में जिसका नाम है टेलीग्राम और टेलीग्राम ऐप पर वायरल हो रही जिस आंसर शीट को दिखाकर पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है उस मैसेज को एडिट किया गया है और पेपर लीक होने के जो तमाम दावे हैं ये गलत है। हालांकि अब भी जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं इस समय भी बहुत सारे छात्र सोशल मीडिया पर लगातार इसके बारे में हमें लिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसके बारे में खबर बताएं और पूरे देश को सही तस्वीर दिखाएं और इस मामले की कड़ी कार्रवाई की मांग बहुत सारे छात्र और उनके परिवार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। इनमें से बहुत सारे छात्रों ने हमें यह भी लिखा कि वो और उनका परिवार क्वेश्चन पेपर लीक की खबरों की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत बेचैन हैं, दुखी हैं और उन्हें पीड़ा हो रही है और कुछ छात्र तो इसकी वजह से डिप्रेशन में भी चले गए हैं और क्यों ना हो, ये होना लाजमी है क्योंकि हमारे देश में जो युवा हैं, छात्र हैं, वर्षों तक वो कोचिंग लेते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं कि उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिले, उसके बाद जब परीक्षा होती है तो फिर ये खबर आती है कि परीक्षा में या तो जमकर धांधली हुई है, नकल हुई है या फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और उसके बाद वो लोग पास हो जाते हैं जिन्होंने बेईमानी की है और जिन्होंने ईमानदारी से वर्षों तक पढ़ाई की है, मेहनत की है, कोचिंग ली है, वो सारे लोग रह जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में ये परीक्षा पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए हुई थी, इसलिए अब ये बात हमारी ध्यान से सुनिएगा। टोटल पद उत्तर प्रदेश की पुलिस में जो कांस्टेबल के पद हैं वो हैं 60,244 और इन 60,000 पदों के लिए 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन दिया था जिनमें 15 लाख सिर्फ महिला उम्मीदवार थी और 35 लाख पुरुष उम्मीदवार थे। ये भीड़ देखिए आप, ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, ये उन छात्रों की, उन युवाओं की भीड़ है जो ये परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में न्यूजीलैंड जैसे पूरे के पूरे एक देश की पूरी आबादी शामिल हुई है और इससे भी बड़ी बात यह है कि पुलिस कांस्टेबल के एक पद के लिए 83 छात्रों के बीच मुकाबला है, यानी एक पद पुलिस कांस्टेबल का जो है उसके लिए 83 छात्र लाइन में लगे हुए हैं और उनमें से सिर्फ एक को ही नौकरी मिलेगी और यह पूरी दुनिया में किसी भी पद के लिए शायद सबसे लंबी लाइन है। जरा सोचिए इन लाखों छात्रों ने इस परीक्षा के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितने सपने देखे होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन पेपर लीक होने के आरोपों ने इन सभी छात्रों को बुरी तरह से अशांत कर दिया है, इनके परिवारों को अशांत कर दिया है और 50 लाख छात्रों का मतलब है 50 लाख परिवार, क्योंकि हर छात्र का एक परिवार भी है और जिस तरह के परिवारों से हमारे छात्र और युवा आते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो परीक्षा है, ये छात्र नहीं देता, पूरा की पूरा परिवार इस परीक्षा को देता है, पूरा की पूरा परिवार दिल थाम कर परीक्षा के नतीजों का इंतजार करता है और ये छात्र इन आरोपों पर इसलिए भी यकीन कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में सरकारी नौकरियों की परीक्षा का पेपर लीक होना सबसे आम बात है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश में आज किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भर्ती की परीक्षा ईमानदारी से कराना सबसे मुश्किल काम हो गया है। आप करा ही नहीं सकते, या तो उसमें नकल होगी या धांधली होगी या फिर
क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा, पहले से ही बेच दिया जाएगा। हमारे देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में हर साल क्वेश्चन पेपर लीक के कम से कम 2 मामले दर्ज होते हैं और पिछले 20 वर्षों में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े 60 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। और दुख की बात यह है कि इस लीकेज को कड़े से कड़े कानून भी अब तक रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत क्वेश्चन पेपर लीक और नकल करने के मामलों में अधिकतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है और यह कानून लागू भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक के भी आरोप लग रहे हैं और वहां परीक्षा में नकल करने और नकल कराने के आरोप में 287 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और इनमें भी वो छात्र ज्यादा हैं जिन्होंने अपनी जगह किसी और व्यक्ति को फर्जी एडमिट कार्ड देकर परीक्षा देने के लिए भेज दिया। सोचिए, बेईमानी की इम्तिहा है बेईमानी की। और आप सोचिए कि छात्र ही खुद ऐसे हैं कई जो अपनी जगह किसी और को भेज रहे हैं परीक्षा देने के लिए, और ऐसा दावा है कि इसके बदले में इन छात्रों ने 1 से 5 लाख रुपए तक खर्च किए। लेकिन पुलिस ने इन डमी कैंडिडेट्स को परीक्षा के दौरान पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब जरा यह सोचिए कि अगर ये छात्र नकल करते हुए पकड़े नहीं जाते और पुलिस कांस्टेबल बन जाते तब क्या होता। आज तो ये पकड़ लिए गए हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि इनमें से क्या सारे लोग ही पकड़ लिए गए हैं, शायद सारे तो पकड़े भी ना गए हों। जो पकड़े गए हैं उन्हीं के बारे में हमें पता है, जो नहीं पकड़े गए उनके बारे में तो हम जानते भी नहीं। अब आप सोचिए, यही लोग अगर पुलिस कांस्टेबल बन जाएंगे या इनमें से और जो लोग पकड़े नहीं गए हैं वो जब पुलिस कांस्टेबल बन जाएंगे तब ये लोग नौकरी में क्या करेंगे। असल में परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक होना किसी भी छात्र के लिए किसी त्रासदी के जैसा होता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में हर छात्र सरकारी नौकरियों के लिए कम से कम 1 साल और अधिकतम 15 साल तक तैयारी करता है और इस दौरान उसकी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च होता है, मेहनत होती है, एक बड़ा हिस्सा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस के तौर पर चला जाता है और ये जो पैसा है ये परिवार अपने खून पसीने की कमाई से निकालकर इन बच्चों पर खर्च करता है इस उम्मीद में कि एक दिन इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्री, जो कोचिंग सेंटर्स का उद्योग है, ये 58,000 करोड़ रुपए का है जो वर्ष 2028 में यानी आज से 4 साल के बाद 1,34,000 करोड़ रुपए का यह उद्योग हो जाएगा, सिर्फ कोचिंग का उद्योग। और यह पैसा भारत के उन छात्रों का होगा, उन छात्रों के परिवारों का होगा जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़कर सरकारी नौकरी या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। कितना बड़ा उद्योग हमारे देश में ऐसे ही खड़ा हो गया। और अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में भी जिन 50 लाख छात्रों ने पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए परीक्षा दी है उनमें से 14 लाख छात्र ऐसे थे जिन्होंने इस परीक्षा के लिए किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी की थी। इसलिए सोचिए, कुछ मुट्ठी भर बेईमान छात्रों की वजह से अगर इन ईमानदार छात्रों का इतना बड़ा नुकसान होता है तो यह हमारे सिस्टम की कितनी बड़ी नाकामी है। वैसे हमारा सिस्टम कैसा है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र सिंह नाम के एक छात्र ने पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन दिया, लेकिन जब उसका एडमिट कार्ड आया तो एडमिट कार्ड पर इस छात्र के नाम की जगह और इस छात्र की जगह एक्ट्रेस सनी लियोनी की तस्वीर लगी हुई थी। और अब इस मामले की भी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है कि धर्मेंद्र नाम के इस छात्र के एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की तस्वीर कहां से आ गई। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कैसी व्यवस्था है हमारे देश में। और बोर्ड के अधिकारियों ने यह बताया है कि उसने परीक्षा से पहले छात्रों को उनके आवेदन में हुई गलतियों को सुधारने का मौका दिया था, लेकिन जिन छात्रों का लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी और के पास भी था उन लोगों ने जानबूझकर आवेदन पत्रों में तस्वीरों को बदल दिया और उनमें सनी लियोनी और दूसरी अभिनेत्रियों की तस्वीरें उन्होंने लगा दी। जब हमको प्रिंट दिया गया तो उसमें मेरा प्रिंट सही था, नाम भी सही है धर्मेंद्र सिंह और पूरा आधार कार्ड नंबर सब सही है,
उसके बाद जब एडमिट कार्ड आया तो उसमें सनी लियोनी की फोटो आ गई, उसका नाम भी आ गया, पूरा बदल गया एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन और मार्कशीट की जो मार्कशीट का रोल नंबर सब हाई स्कूल इंटर का सही है, पिन कोड सही है, माँ की पूरा बदल दिया गया है। अब इस सवाल पर आते हैं कि जिस देश के लोग पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट और घूसखोर फोर्स मानते हैं, वो आखिर इसी पुलिस की नौकरी क्यों करना चाहते हैं? वर्ष 2018 में हुए एक सर्वे में देश के 40% लोगों ने पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया था और कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि पुलिस महकमे से कभी भी भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा। लेकिन आज उसी पुलिस महकमे में कांस्टेबल की नौकरी के लिए सिर्फ एक राज्य में, यानी सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देते हैं और ऐसा प्रमुख रूप से दो कारणों से होता है। पहला कारण है सरकारी नौकरियों का आकर्षण, जिसमें छात्रों को लगता है कि अगर उनकी सरकारी नौकरी लग गई तो उनका रोजगार निश्चित हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, ये नौकरी सदा के लिए हो जाएगी। और दूसरा कारण यह है कि ऐसी नौकरियां ग्रुप सी या ग्रुप डी की होती हैं जो नॉन टेक्निकल हैं और जिनमें स्किल यानी किसी खास कौशल की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए वो सभी युवा योग्य हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की हुई है, सिर्फ यही योग्यता चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए। और इसीलिए लाखों छात्रों ने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया कांस्टेबल बनने के लिए, और इनमें बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी थे जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग की हुई है, यहां तक कि एमबीए और पीएचडी की पढ़ाई भी जो छात्र कर चुके हैं वो भी आज पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए तैयार है। और इसलिए अब आपके मन में सवाल भी होगा कि इतने पढ़े लिखे युवा भी आखिर पुलिस कांस्टेबल की नौकरी क्यों करना चाहते हैं, जबकि पुलिस कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश में जो बेसिक सैलरी है वो लगभग 21,700 रुपए है। तो इसके भी कई कारण हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में बेरोजगारी। हालांकि बेरोजगारी के साथ इसमें एक कारण यह भी है कि पुलिस की नौकरी में ऊपर की कमाई होने के कई आरोप अक्सर लगते रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे पुलिसकर्मियों को काम नहीं करने की सैलरी मिलती है और काम करने की रिश्वत। और एक जमाने में मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने एक बार कहा था कि मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है, लेकिन ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आदमी आमदनी ईश्वर देता है और इसी से उसकी बरकत होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं, आज बिल्कुल भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे देश में सारे पुलिसकर्मी बेईमान हैं या सारे पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हैं, हमारे कहने की यह मंशा बिल्कुल भी नहीं है। और जो भ्रष्टाचार की बात है वो सर्वे ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि आज भी हमारे देश के लोग सोचते हैं कि पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार है। वैसे सोचते तो ये भी हैं कि सरकारी महकमों में ही भ्रष्टाचार होता है सब जगह ही, लेकिन ये भी सच है कि आज भी हमारे देश में ईमानदारी तो सभी जगह है, पुलिस में भी बहुत ईमानदार अफसर हैं, पुलिस में भी बहुत ईमानदार लोग हैं। वो आज हमारी इस रिपोर्ट में हम उनको शामिल नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है उन लोगों की जो भ्रष्टाचारी हैं, जो रिश्वत लेते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। इसलिए वो लोग बुरा ना माने जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है वो बुरा ना माने। और हमारे यहां ऐसा माना जाता है कि एक पुलिस सिपाही अगर चाहे तो वो अपनी तनख्वाह से ज्यादा पैसा रिश्वत में कमा सकता है अगर चाहे तो, और यही कारण है कि हमारे देश में कहीं भी पुलिस में सिपाही और दूसरे पदों पर भर्तियां जब निकलती हैं तो इन भर्तियों के लिए लाखों युवा आवेदन देते हैं। और अब जब है तो भाई यहाँ जमा कर दीजिए, जमा करने की
बिना बायोमेट्रिक टेस्ट के आप लोग परीक्षा हॉल में जाइएगा, अगर बिना बायोमेट्रिक टेस्ट के जाएंगे वहां पर अनुपस्थित माना जाएगा। आज हम उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को यही कहना चाहेंगे कि 50 लाख युवाओं ने अपने रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए पूरी ईमानदारी के साथ ये परीक्षा दी है। हो सकता है कुछ मुट्ठी भर ऐसे छात्र भी जरूर होंगे जिन्होंने बेईमानी से ये परीक्षा दी होगी, कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बेईमानी की होगी, क्वेश्चन पेपर लीक करने की कोशिश की होगी और बहुत सारे धांधली के तरीके अपनाए होंगे ताकि इसमें बेईमानी हो जाए और इसमें बेईमान छात्र पास हो जाएं और ईमानदार छात्र फेल हो जाएं। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या इन मुट्ठी भर बेईमान छात्रों को या उन मुट्ठी भर बेईमान गैंग्स को जो क्वेश्चन पेपर लीक कराते हैं, क्वेश्चन पेपर को बेचते हैं, क्या उन्हें यह अधिकार दिया जा सकता है कि वो हमारे देश के लाखों परिश्रमी और ईमानदार युवाओं की जिंदगी को इस तरह बर्बाद करते चले जाएं? एक तो वैसे ही हमारे देश में सरकारी नौकरियों की जो भर्तियां हैं वो खुलती नहीं है। यहां भी 5 साल के बाद सरकारी नौकरी कांस्टेबल की भर्ती खुली है और जब भर्ती होती भी है, प्रवेश परीक्षा जब होती है उसकी भर्ती के लिए, उसमें फिर ये आरोप लगने लगते हैं कि यहां पर क्वेश्चन पेपर बिक गया, यहां पर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, यहां पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ लोगों के लिए डमी कैंडिडेट बनकर पेपर दे दिया। ऐसे में जो हमारे परिश्रमी छात्र हैं और परिश्रमी जो युवा हैं उनके दिल को ठेस पहुंचती है, उनके परिवारों को ठेस पहुंचती है और उनका जीवन जो है एक तरीके से कई वर्षों तक पीछे चला जाता है। सोचिए अगर 5 साल के बाद ये भर्ती खुल रही है और इसमें हमारा एक ईमानदार छात्र भी अगर पूरी कोशिश के बावजूद विफल हो जाता है क्योंकि कुछ लोग बेईमानी कर रहे हैं, तो उसका जीवन तो 5 साल पीछे चला गया। और एक छात्र के जीवन में 5 साल क्या, 5 दिन भी बहुत कीमती होते हैं। और इसीलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस मामले की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, ये पता लगाया जाना चाहिए कि ये खबरें कहां से आ रही हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर ये अफवाह भी है तो हो सकता है कुछ लोग इसके पीछे हों जो ये चाहते हों कि ये परीक्षा रद्द हो जाए। देखिए कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि ये परीक्षा रद्द ना हो, लेकिन साथ ही कुछ लोग ये ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि ये परीक्षा रद्द हो जाए चाहे झूठे अफवाहों की वजह से ही क्यों ना हो। इसलिए अलग अलग ताकतें यहां पर लगी हुई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और उन 50 लाख छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए और उनके परिवारों के साथ भी न्याय जरूर होना चाहिए। और ये आज जो हमने आपको सबसे पहले खबर दिखाई है ये उन्हीं के लिए दिखाई है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, हम हर रोज ये देखते रहेंगे कि ये जो इंक्वायरी हो रही है ये कैसे हो रही है, किस दिशा में बढ़ रही है, क्या नई नई बातें इसमें पता चल रही हैं और हम आपको इसके बारे में लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं और वो खबर ये है कि केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को एक प्रस्ताव दिया है, एक नया ऑफर दिया है जिसके तहत सरकार आंशिक रूप से किसानों को 5 फसलों की खरीद पर एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार हो गई है। सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि वो मसूर दाल, उड़द दाल, तुअर दाल, कपास और मक्के की फसल को अगले 5 साल तक एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे सकती है और इस प्रस्ताव को सरकार ने 5-ईयर प्लान का नाम दिया है। और अभी इस प्रस्ताव के बाद किसानों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है क्योंकि यह टेम्परेरी है और कहा है कि वो बाकी किसानों से बात करने के बाद ही इस पर कोई फैसला लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए किसानों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो ये मानते हैं कि 5 साल नहीं, उन्हें तो हमेशा के लिए एमएसपी की गारंटी चाहिए और वो भी कानून के जरिए चाहिए, किसी बैकडोर से कोई जुगाड़ वाला काम उन्हें नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने सरकार के इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि इस बातचीत के बीच आज दिल्ली पुलिस की एक टीम पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पहुंची जहां आंदोलनकारी किसानों ने बॉर्डर को बंद किया हुआ है और दिल्ली पुलिस वहां 2 बातें जानने के लिए गई थी। पहली बात यह कि हरियाणा पुलिस इन आंदोलनकारी किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोकने में कैसे कामयाब हुई और दूसरा आंदोलनकारी किसानों के बारे में हरियाणा पुलिस के पास क्या कोई और भी जानकारी है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है
वो इन्हीं के ही सीएसीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है, और जब वो देती है सरकार हमें सीएसीपी के अनुसार एमएसपी, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है, आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई उतनी तो बिक जाए हमारी, उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटा रहे, लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। किसान मुख्य रूप से गेहूं और चावल की खरीद पर एमएसपी की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए अभी तैयार नहीं है, और उसने जिन चार फसलों को अपने प्रस्ताव में रखा है वो फसलें किसानों की सूची से अलग हैं। इस समय जब हमारे देश में एमएसपी को लेकर इतनी बहस हो रही है, तब हम आपको कुछ आंकड़ों की मदद से आज ये बताना चाहेंगे कि क्यों एमएसपी की व्यवस्था किसानों के लिए ठीक नहीं है, और एमएसपी से कैसे किसानों का और भारत की अर्थव्यवस्था का लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। तो आज जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा। हमारे देश में फिलहाल जिन 23 फसलों की खरीद पर एमएसपी की व्यवस्था लागू है उनकी हिस्सेदारी देश के कुल कृषि उत्पादन में सिर्फ 28% है। तो ये देख लीजिए, जो 23 फसलें हैं जिन पर सरकार एमएसपी देती है उनका जो टोटल मार्केट में शेयर है कृषि उत्पादन में वो 28% है, जबकि हॉर्टिकल्चर फार्मिंग और पशुधन उत्पादन की हिस्सेदारी देश के कुल कृषि उत्पादन में 50% से ज्यादा है, जबकि हॉर्टिकल्चर फार्मिंग और पशुधन उत्पादन में एमएसपी की व्यवस्था दूर दूर तक नहीं है। आज बड़ा सवाल यह है कि हॉर्टिकल्चर करने वाले जो लोग हैं क्या ये किसान नहीं है? हमारे देश में जो किसान हॉर्टिकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं यानी वो लोग कौन होते हैं? ये लोग हैं जो हरी सब्जियां उगा रहे हैं, आपके लिए फल उगा रहे हैं, या फूलों की खेती कर रहे हैं, या जो किसान डेयरी उद्योग, पशुपालन, मछली पालन कर रहे हैं, उन किसानों को उनकी फसल और उनके उत्पादों पर किसी भी तरह का कोई एमएसपी नहीं मिलता। लेकिन बिना इस एमएसपी के सपोर्ट के बावजूद देश के कृषि उत्पादन में इन किसानों की हिस्सेदारी ज्यादा है, और इन किसानों की तरक्की भी उन किसानों की तुलना में ज्यादा हो रही है जो एमएसपी वाली फसलों को उगा रहे हैं। यानी जो किसान, आप सोचिए, जो किसान दूध का काम करता है, पशुधन रखता है अपने पास, दूध बेचता है, मछली पालन कर रहा है, क्या वो किसान नहीं है? एक दिन क्या वो अपने लिए एमएसपी नहीं मांगेगा? जिन 23 फसलों पर किसानों को एमएसपी मिलता है उन फसलों का ग्रोथ रेट पिछले 2 दशकों में औसतन 1.8% है। यहां हम आपको यह बताना चाहेंगे कि एमएसपी की जो व्यवस्था की गई थी वो किसानों को एनकरेज करने के लिए की गई थी, ताकि किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो और ज्यादा से ज्यादा पैदावार करें। लेकिन जो ग्रोथ रेट आई है उन 23 फसलों में जहां एमएसपी दिया जाता है उसमें है 1.8% के दर से इनमें जो ग्रोथ हो रही है वो है, जबकि जिन हरी सब्जियों, फलों और पशुधन उत्पादन पर किसानों को कोई एमएसपी नहीं मिलता उनका ग्रोथ रेट पिछले 2 दशकों में 5-8% है। यानी ये बिना एमएसपी के भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि किसानों की तरक्की के लिए एमएसपी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर एमएसपी की व्यवस्था इतनी ही अच्छी होती, मददगार होती, तो फिर इन फसलों का ग्रोथ रेट इतना कम ना होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार लगभग 47 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में से 5 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में सिर्फ सब्सिडी पर खर्च करती है, और इनमें से भी 1,88,000 करोड़ रुपए खाद और बीज की सब्सिडी पर खर्च होते हैं। यानी किसानों को खाद और बीज जो मिलता है वो डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। सरल भाषा में आप इसे ऐसे समझिए कि फिलहाल सरकार फसलों की लागत को कम से कम करने के लिए भी किसानों को बीज, खाद और दूसरी चीजों पर सब्सिडी देती है, और फिर जब वही फसल बाजार में आती है
जिसमें पहले से ही सब्सिडाइज्ड खाद है, सब्सिडाइज्ड चीजें लगी हुई हैं, जब वही फसल बाजार में आती है तो किसान उस फसल का सरकार से ज्यादा एमएसपी भी देने की मांग कर रहा है। यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो नीचे आएगी ही, क्योंकि सरकार उसमें पहले ही सब्सिडी दे रही है। फिर उस सब्सिडी के जरिए जब आप अपनी फसल उगाते हैं तो उसमें भी आपको ऊंचा दर चाहिए, ऊंची प्राइस चाहिए और आपको ज्यादा एमएसपी चाहिए। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन किसानों को फसल उगाने के लिए खाद और बीज पर सब्सिडी और फसल बेचने पर सरकार से एमएसपी मिल रहा है, वो किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो किसान एमएसपी की व्यवस्था से पूरी तरह बाहर हैं, उन्हें कभी कोई एमएसपी मिला ही नहीं, और जो किसान बिना एमएसपी के हरी सब्जियां, फल या दूसरी फसलें उगा रहे हैं या डेयरी उद्योग में काम कर रहे हैं, वो कभी भी एमएसपी के लिए कोई आंदोलन करते ही नहीं। आज अगर भारत सरकार ने आंदोलनकारी किसानों की मांगे मान ली तो 1 किलोग्राम धान का एमएसपी 31% बढ़ेगा, मक्के का 29%, बाजरे का 9%, अरहर दाल का 28%, मूंग दाल का 27%, मूंगफली का 26%, सोयाबीन का 31%, सूरजमुखी का 32% और कपास का एमएसपी 31% बढ़ जाएगा। और इन फसलों का एमएसपी बढ़ने से बाजार में इनकी खाद्य महंगाई दर भी 25-30% तक बढ़ जाएगी। यानी आपको भी ये बढ़े हुए दामों में ही ये सारा सामान और खाने पीने की चीजें महंगी मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि एमएसपी बढ़ने से या एमएसपी की गारंटी मिलने से किसानों की आय बढ़ जाएगी और भारत के किसानों की किस्मत अचानक से चमक जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उल्टा इससे कुछ चुनिंदा फसलों पर किसानों की निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाएगी और किसान एमएसपी के इस जाल में और बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि किसान बार बार सिर्फ उन्हीं फसलों को उगाएंगे जिन पर उन्हें एमएसपी मिलती है, और जो फसलें एमएसपी के दायरे से बाहर हैं उन फसलों की जो खेती है वो कम होने लगेगी। अगर किसानों को सही मायनों में अपनी आय बढ़ानी, हम मानते हैं, एक बात आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे देश में किसान जो पैसा कमाते हैं वो पैसा कम है, वो पैसा थोड़ा है, ये हम मानते हैं। ये बात भी मानते हैं कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, आज जितनी है उससे कई गुना ज्यादा किसानों की आय बढ़नी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये आय एमएसपी से बढ़ेगी? इसका जवाब है नहीं, ये आय एमएसपी से नहीं बढ़ेगी। एमएसपी या जो सब्सिडी होती है वो तो एक ड्रग की तरह है, जब आप एक ड्रग लेते हैं, ड्रग्स जो है वो शरीर को थोड़ी देर के लिए तो बहुत आपको शक्ति मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में इसका नुकसान ही होता है। और ये एमएसपी और जो सब्सिडी की जो राह है ये भी बिल्कुल वैसी ही है। तो किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ कैसे सकती है? अगर किसानों को सही मायने में अपनी आमदनी बढ़ानी है तो इसके लिए उन्हें अपनी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना होगा। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो फिर उन्हें एमएसपी की कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। उदाहरण से समझिए, अमेरिका के किसान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर जमीन पर 11.1 टन मक्का उगाते हैं, जबकि भारत के किसान प्रति हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ 3.3 टन मक्का उगाते हैं। चीन के किसान सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर जमीन पर 4.9 टन ज्वार उगाते हैं, जबकि भारत के किसान सिर्फ प्रति हेक्टेयर जमीन पर एक टन ज्वार उगा रहे हैं। इसी तरह चीन के किसान प्रति हेक्टेयर जमीन पर 3 टन से ज्यादा सूरजमुखी की फसल उगाते हैं, जबकि भारत के किसान प्रति हेक्टेयर जमीन पर 1 टन फसल भी नहीं उगा पा रहे हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत के किसान फसलों की उत्पादकता के मामले में पूरी दुनिया से कितने पीछे हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं ताकि आप देखेंगे कि प्रति 1 हेक्टेयर में दुनिया भर के जो किसान हैं वो कितनी फसल उगा रहे हैं और हम कितनी फसल उगा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, अगर मक्का का उत्पादन ही आप देखेंगे, अमेरिका के किसान 11 टन 1 हेक्टेयर में उगाते हैं और हमारे किसान लगभग 3.25 टन मक्का 1 हेक्टेयर में उगा रहे हैं। ज्वार में अगर आप देखेंगे, चीन के किसान 4.9 टन उगाते हैं 1 हेक्टेयर में, हमारे देश के किसान सिर्फ 1 टन उगा रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर हमारे देश का किसान भी चीन के किसानों की तरह और अमेरिका के किसानों की तरह अपना उत्पादन प्रति हेक्टेयर बढ़ा ले तो उसकी आमदनी अपने आप ही कई गुना बढ़ जाएगी।
आज अगर चीन में प्रत्येक किसान की वार्षिक आय 2,30,000 रुपए है और भारत में एक किसान परिवार की वार्षिक आय लगभग 1,25,000 रुपए है, तो इसका कारण सिर्फ यह है कि हमारे देश के किसान पूरी दुनिया में फसलों की उत्पादकता के मामले में सबसे पीछे है। इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे देश के 45.5% कामगार कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो सोचिए, हमारी जो आधी कामकाज करने वाली आबादी है, आधी वो खेती से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है सिर्फ 17.4% है। तो आप देखिए, जिस काम में हमारे देश की आधी आबादी लगी हुई है, उस आधी आबादी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 17% है, जबकि चीन के 24.4% कामगार कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी चीन की जीडीपी में वहां के कृषि क्षेत्र का योगदान 7.3% है। और इसी तरह अमेरिका और यहां तक कि ब्राजील के किसान भी हमसे कहीं आगे हैं। देखिए, ब्राजील के सिर्फ 9.7% कामगार ही कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्राजील की जीडीपी में वहां के कृषि क्षेत्र का योगदान 6.8% है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के कृषि क्षेत्र को एमएसपी की नहीं बल्कि नए प्रयोगों की आवश्यकता है और क्रांतिकारी बदलावों की आवश्यकता है। ये आप बड़ी स्क्रीन पर यह भी देख लीजिए, खेती में हमारे देश में क्या योगदान है, जबकि हमारी आधी आबादी खेती से जुड़ी हुई है। भारत में 44% कामगार आबादी खेती करती है, लेकिन उनका योगदान है 16.7%। चीन में सिर्फ 24.4% कामगार आबादी खेती करती है, उसका योगदान है 7.3%। इसी तरह ब्राजील में 9.7% आबादी कृषि में है और उसका योगदान 6.8% है। यहां एक और बड़ी बात यह है कि भारत में एमएसपी का लाभ बड़े किसानों को ज्यादा मिलता है और गरीब किसानों की कभी कोई बात ही नहीं करता, जबकि भारत गरीब किसानों का देश है, जिनके पास अपना ट्रैक्टर तक नहीं है, जमीन तक नहीं है, और अगर जमीन भी है तो बहुत छोटी जमीन उनके पास है। आज बड़ी बात यह है कि जो पूरा एजेंडा है इसे बड़े किसानों ने हाईजैक किया हुआ है। वो बड़े किसान जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, जिनके पास एक नहीं कई कई ट्रैक्टर्स हैं, उन ट्रैक्टर्स में बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं, और उन किसानों की बात कोई नहीं कर रहा जिनके पास ट्रैक्टर आज भी नहीं है। भारत में 7% किसानों के पास देश की 46% कृषि भूमि है। सोचिए, 7% किसानों के पास 46% कृषि भूमि है, जबकि देश के 80% किसानों के पास देश की सिर्फ 30% कृषि भूमि है। और ये जो 80% गरीब किसान हैं, ये कभी आंदोलन नहीं करते, ना ही इनकी कोई बात सुनता है, लेकिन जो किसान आर्थिक रूप से संपन्न है वो सब्सिडी से लेकर एमएसपी तक के लिए लगातार आंदोलन करते हैं, जबकि उन्हें एमएसपी की नहीं बल्कि ऐसे नए प्रयोगों की आवश्यकता है जिससे वो अपनी फसलों की उत्पादकता को बढ़ा सके और चीन के किसानों से भी आगे निकल सके, अमेरिका के किसानों से भी आगे निकल सके। और ऐसा तब हो सकता है जब सरकार सब्सिडी से ज्यादा पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करे, लेकिन कुछ किसान इसके लिए तैयार नहीं होते और इसकी वजह से हमारे देश में पारंपरिक खेतों की सूरत कभी बदल नहीं पाती। पारंपरिक जो कृषि है, खेती है, उसकी सूरत हमारे देश में बदल नहीं पा रही है। हम आपको जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि के बारे में बताएंगे, जिन्होंने 78 वर्ष की उम्र में संलेखना विधि से अपना शरीर त्याग दिया है, और आज आप उनसे ये सीख सकते हैं कि समर्पण का शिखर कैसे प्राप्त होता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी की उम्र 78 वर्ष थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में समाधि ली, और ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें पहले ही देह त्यागने का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने 3 दिन पहले ही अन्न और जल का त्याग करके मौन व्रत धारण कर लिया था, और इसी त्याग को हम संलेखना विधि कहते हैं। संलेखना शब्द 2 शब्दों से बना है और ये हैं सत और लेखन, जिनका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। ये जैन धर्म की एक पवित्र प्रथा है जिसमें स्वेच्छा से बिना शोक कष्ट और दुख के मृत्यु को स्वीकार किया जाता है, और आचार्य श्री विद्यासागर जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म वर्ष 1946 में कर्नाटक में हुआ था और वो विद्याधर से विद्यासागर बने थे,
और वर्ष 1972 में उन्हें आचार्य की पदवी मिली और उनका पूरा परिवार संन्यास ले चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया हमेशा से उनके जीवन को बड़ी अचरज की निगाहों से देखती आई है। उन्होंने हमेशा दुनिया को हैरान किया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी का जीवन इतना विशाल और विचारों की गहराई से भरा हुआ था कि उन पर 56 PhDs हो चुकी हैं और उन्होंने भी 398 लोगों को दीक्षित किया, यानी उन्हें दीक्षा दी, और वो अपने विचारों को लेकर हमेशा बहुत स्पष्ट रहे। वो लोगों से कहते थे कि अपने देश को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए और लोगों को गौ सेवा करनी चाहिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहिए, पशुओं के मांस की बिक्री बंद कर देनी चाहिए और लोगों को अपनी मातृभाषा हिंदी पर गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। और एक बार उन्होंने यह भी कहा था कि अगर संस्कृति और धर्म को बचाना है तो इंडिया को अपने प्राचीन गौरव के साथ भारत बनना होगा। और आचार्य श्री विद्यासागर जी का जीवन इसलिए भी अलग था क्योंकि उन्होंने दूध, दही, मेवा, नमक, चीनी, तेल, सब्जी और फलों का पूरी तरह त्याग कर दिया था। और लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने कभी पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सोते भी एक लकड़ी के तख्त पर थे और कभी भी उन्होंने अपने जीवन में गद्दे का इस्तेमाल नहीं किया। समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके समलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं। आज आपको खबर ये इसलिए दिखाई ताकि आप उनसे प्रेरणा ले सकें और उन्होंने जो जीवन के सिद्धांत देश को दिए, देश के लोगों को दिए, आप उन्हें हमेशा याद रखें। हम आपको मोहब्बत की यानी प्यार की दो शानदार कहानियां सुनाएंगे। ज्यादातर प्यार करने वाले वो होते हैं जो पूरा जीवन साथ रहने की कसम खाते हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि वो पूरा जीवन साथ रहें। एक प्यार वो होता है जिसमें पूरा जीवन साथ रहने की कसमें खाई जाती हैं और एक और प्यार होता है, ये वो होता है जिसमें न सिर्फ साथ रहने की बल्कि साथ मरने की भी कसम खाई जाती है। आज हम आपको दो देशों के प्रधानमंत्रियों की कहानी बताएंगे। एक है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, एक कहानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की है जिन्होंने अभी वैलेंटाइंस डे पर इसी महीने 60 साल की उम्र में अपने से 15 वर्ष छोटी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जीवन भर रहने का वादा किया है। और दूसरी कहानी है नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री की जो जीवन भर अपनी पत्नी के साथ रहे और अब मौत के समय भी उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक साथ दुनिया को छोड़ा, यानी जिए भी साथ साथ और मरे भी साथ साथ। लेकिन पहले आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की कहानी बताते हैं जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र में अपने प्यार का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने इस बार वैलेंटाइंस डे पर सबको हैरान कर दिया और उन्होंने इस बार वैलेंटाइंस डे पर अपनी गर्लफ्रेंड जोडी हेडन के साथ एंगेजमेंट कर ली और उन्होंने ये बात खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सबको बताई और कहा कि अपने प्यार को पाकर वो बेहद खुश है। तो यहां आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब वो एक साथ हमेशा पूरा जीवन एक साथ बिताना चाहेंगे। बड़ी बात यह है कि एंथनी अल्बनीजी की जो गर्लफ्रेंड है वो उनसे 15 वर्ष छोटी हैं और उन्होंने इस रिश्ते को कभी भी किसी से छुपाया नहीं, बावजूद इसके कि वो प्रधानमंत्री हैं। अल्बनीजी का 4 साल पहले अपनी पहली पत्नी से 19 वर्ष के बाद तलाक हुआ था, 19 वर्ष की शादी के बाद, और उनका एक बेटा भी है। तलाक के कुछ समय बाद जोडी हेडन उनकी जिंदगी में आई
जो फाइनेंस के क्षेत्र में काम करती हैं, और 4 साल पहले वो एंथनी अल्बनीजी से एक कार्यक्रम में मिली और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे के करीब आते चले गए। ये इनकी लव स्टोरी है। और 2 वर्ष पहले जब ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुए तब एंथनी अल्बनीजी चुनाव प्रचार के दौरान भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले जाते थे, और बाद में जब वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन गए तब भी वो अपने विदेश दौरों में जोडी हेडन को हमेशा अपने साथ रखते थे। और आप शायद भूल गए होंगे, पिछले वर्ष जब दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आए थे, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ आई थी और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिले थे। और अब वो ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रधानमंत्री, ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनेंगे जिनकी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए शादी होगी। और उनकी प्रेम कहानी ये बताती है कि मोहब्बत ना तो उम्र को देखती है और ना ही पद को देखती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ये G20 समिट के दौरान थी जो दिल्ली में हुआ था, और तब जोडी हेडन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ आई थी, और अब उन्होंने इस वैलेंटाइंस डे पर ये घोषणा की है कि वो जीवन भर एक साथ रहना चाहते हैं और अब वो एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो जब दो प्यार करने वाले अपने प्यार का इजहार पूरी दुनिया के सामने करते हैं और जब वो एक साथ मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला करते हैं तो पूरी जिंदगी एक साथ बिताने की कस्में खाते हैं। और इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि दो प्यार करने वाले पूरा जीवन एक साथ रहें, और कई बार तो लोग जीने और मरने की कस्में भी साथ खाते हैं। और ऐसी ही अब एक दूसरी प्रेम कहानी हम आपको बताते हैं। ये प्रेम कहानी है नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री ड्रीज वैन आग्ट की, जिनकी इस महीने मृत्यु हो गई, और जीवन के इस आखिरी सफर में उनकी पत्नी हमेशा की तरह उनके साथ थी। ड्रीज वैन आग्ट और उनकी पत्नी ने, जिनका नाम है योजनी वैन आग्ट, उन्होंने इसी महीने एक साथ अपनी इच्छा से मिलकर एक साथ मौत को गले लगाया। दोनों की उम्र 93 वर्ष थी, दोनों एक ही उम्र के थे 93 वर्ष के, और वो 70 वर्षों से एक दूसरे के साथ थे। ड्रीज वैन आग्ट वर्ष 1977 से 1982 तक नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री थे, और वो इसके बाद भी बहुत सक्रिय रहते थे और उन्होंने फिलिस्तीनियों के अधिकारों को लेकर एक संगठन बनाया था। लेकिन वर्ष 2019 में इसी संगठन के एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ, और फिर उसके बाद वो दोबारा उठ नहीं सके, दोबारा इससे उबर नहीं सके। उनकी पत्नी की तबीयत भी अक्सर खराब ही रहती थी और उन्हें भी इस दौरान कई बीमारियां हो गई थी, इसलिए दोनों ने एक साथ मरने का फैसला किया। और इस महीने जब उन्हें उनके निजी डॉक्टर ने मौत की नींद की सुलाने वाली दवा दी तब दोनों ही पति पत्नी ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था और दोनों ने एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। यानी जिए भी एक साथ और मरे भी एक साथ, और जब मरे तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। और ये नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी की मोहब्बत की वो कहानी है जो ये बताती है कि जो प्यार सच्चा होता है उसकी राह में कुछ नहीं आता, और वो चाहे मौत हो या फिर कोई और बड़ी अड़चन हो, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो, वो उन्हें अलग नहीं कर सकती। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नेदरलैंड्स में ऐसे और भी कई प्यार करने वाले हैं जो इस तरह से एक साथ मरना चाहते हैं। वर्ष 2020 में वहां 26 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ ही मरने की अनुमति दी गई थी, और वर्ष 2021 में यह संख्या बढ़कर 32 हो गई, और फिर 2022 में यह संख्या बढ़कर 58 हो गई। यानी 58 ऐसे जोड़े थे, ऐसे कपल्स थे जो एक साथ मरना चाहते थे। यानी ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो अपने जीवन साथी के साथ ही अब मरना भी चाहते हैं, और वो एक साथ इसलिए मौत को गले लगाना चाहते हैं क्योंकि नेदरलैंड्स दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां यूथेनेशिया और असिस्टेड सुइसाइड की अनुमति है, जिसे इच्छा मृत्यु भी कहा जाता है। नेदरलैंड्स में वर्ष 2002 में इसके लिए एक कानून बनाया गया था,
और इसके बाद वहां ऐसे लोग इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकते हैं जो बहुत तकलीफ में है और वो इतने बीमार हैं कि उनके ठीक होने की अब कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो जीना नहीं चाहते। इसलिए ऐसे लोग इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन देते हैं और उसके बाद अगर कानून के हिसाब से उनके आवेदन को सही पाया जाता है तो ऐसे लोगों को मरने की अनुमति दी जाती है, मृत्यु की अनुमति दे दी जाती है, ताकि वो व्यक्ति इस जीवन में रहते हुए और दुख ना झेले, इसलिए उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत मिल जाती है। और नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी ने इसी रास्ते को चुना और 93 वर्ष की उम्र में उन्होंने आवेदन दिया कि अब वो एक साथ 70 साल तक जिए, पर अब वो एक साथ मरना चाहते हैं और फिर एक साथ उन्होंने मौत को भी गले लगा लिया। तो ये दो प्रेम कहानियां आज आपके लिए थी। दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल फोन होता है, और जिसका मोबाइल फोन होता है वो किसी का नहीं होता।